हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल स्टडी विद पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक एक नंबर जो बेस से ऊपर है और एक नंबर जो बेस से नीचे है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि बेस के नीचे वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा था बेस के ऊपर वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले ही वीडियोस बना के रखी हैं, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में वो डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक ईजी एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे, बाद में जाकर हम लोग हार्ड एग्जाम्पल्स लेंगे, थोड़े बड़े एग्जाम्पल्स लेंगे। अभी एक इजी एग्जाम्पल देते हैं। 12 into 9, आप कुछ बच्चों को पहले से ही पता होगा 108, क्योंकि उन्होंने पहले से ही टेबल्स याद करके रखे होंगे। लेकिन जिन्हें हार्ड लगता है टेबल्स याद करना, वो ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे तो ये मेथड जो मैंने बताया था वो सब बड़े नंबर्स के लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन आप छोटे नंबर्स के लिए भी उसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे पुराने मेथड से वो सॉल्व होता है कि नहीं। 12 कितना बड़ा है? 12 कितना बड़ा है 10 से? 2 बड़ा है। ठीक है, और 9 कितना बड़ा है? कितना बड़ा है मतलब -1 बड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग इन दोनों को ऐड करना है या फिर इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों दोनों में से किसी को भी ऐड करेंगे हमें 11 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -2 मिलेगा, माइनस में 2 मिलेगा। मतलब अगर ऐसे कंडीशन में हमें एक और 0 डाल देना है, यहाँ पे एक और 0 डाल देंगे और फिर उसके बाद -2 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 108। ये एक सही आंसर है, आपको ये आंसर बहुत आसानी से हमें आ गया, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे है, काफ़ी कंफ्यूजन आ सकता है इसमें, तो हमें आंसर भी मिल जाता है। अब अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, और हम लोगों ने एक पोल भी रखा है, आप उसे पोल में भी आप अपने आंसर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन भेजा है हम लोगों ने, उसमें आंसर डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब